इसमें क्या किया गया है, जो आर एन एस वर्क के जे आर एन एस नामक एम्पोर्ट मार्शल नामक, ये क्या कहेगा, जिसमें यौगिक के वर्ग से यौगिक इस यौगिक के वर्ग पर आधारित है, ठीक है, यह अणु, ठीक है, इस अणु में क्या हुआ, ये इस अणु में मतलब ये कोविड-19 को रोकने की क्षमता रखता है, उसी तरह जिस तरह कोविड-19 वायरस को फैलाने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार ये नया अणु उस अणु उसको रोकने की क्षमता रखता है। इसमें क्या किया, डेनमार्क के विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय, डेनमार्क के अरहुम विश्वविद्यालय, ठीक है, अरहुम विश्वविद्यालय ने बताया है कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे सस्ता, और आसान इलाज है ये, ठीक है, इसको रोकने के लिए सबसे सस्ता और आसान इलाज है, ठीक है। जयपुर 16 दिसंबर 2021 को इन्होंने क्या बनाया, जवाहर, कहाँ पे, जवाहर केंद्र कला 2021 का इन्होंने क्या किया, एक तरीके से उद्घाटन किया, यह 11 दिवसीय क्या किया, यह 11 दिवसीय क्या है गाई, लोक रंग महोत्सव, लोकरंग महोत्सव 2021, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें 650 से अधिक क्या कलाकार भाग लेंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन से, संस्कृत विभाग के, संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग के लोग भी होंगे, ठीक है, और इसमें ग्रामीण, गैर किसान विभाग के लोग होंगे, ठीक है, और यह है हस्तलेखा, इसमें क्या क्या है, इसमें एक हस्त शिल्प मेला है, ठीक है, इसमें हस्तशिल्प मिल पाया, और राजस्थानी भाषा का यूज होगा, भाषा में यह कार्यक्रम होगा, ठीक है, यह भारतीय राजस्थानी भाषा में इस कार्यक्रम को होगा, ठीक है। 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 2021 को एक मेमोरियल, 16 दिसंबर 2021 को एक मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, क्या क्या, विक्टोरिया मेमोरियल और कोलकाता में एक क्या किएगा, स्वर्णम महोत्सव, स्वर्णिम महोत्सव का आयोजित किया गया, ठीक है, इस महोत्सव ने स्वर्णिम विजय गाथा, सॉरी, स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजित किया गया, इस विजय गाथा में इन्होंने एक विजय भव गीत गाया, गीत को बनाया या इनको गा के बताया कि एक विजय गीत रहेगा, ठीक है। इसमें पूर्वी कमान के सैन्य बोर्ड ने इसमें भाग लिया और इस कमान को संभाला, इन्होंने भी एक क्या किया, इन्होंने एक मार्शल धुने, इन्होंने अपनी मार्शल धुने और देशभक्ति के गीत गाए, किसने, पूर्वी कमान ने, सिंफोनिक सैनिक बोर्ड ने, ठीक, बैंड ने, सॉरी बोर्ड नहीं है ये, बैंड है, बैंड ने, ठीक है, बैंड ने इसको गाया, ठीक है,
और विजय गाथा के गीत गाए और देशभक्ति के गीत गाए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, क्योंकि इसमें ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी मतलब पेपर आ रहे हैं, उसमें आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब डेली करंट अफेयर है, आपको 10 से 11 बजे के बीच में मिल जाएगी। बेस्ट टाइमिंग वैसे 10 बजे की है, आपको जल्द से जल्द 10 बजे तक इस वीडियो को करा देंगे, ठीक है। और आपको हफ्ते की करंट अफेयर भी मिलेगी अगर आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर और पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। मेरा नाम है शशांत, ठीक है। और आज है 17 दिसंबर और हम पढ़ेंगे 16 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रण मतलब कि जो पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है उसमें एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम, एक कार्यक्रम किया इसका, जिसका नाम है एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने क्या किया कि एथेनॉल मिश्रण पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत सरकार ने ये किया कि जो एथेनॉल पर सरकार टैक्स लगाती थी, कितना टैक्स लगाती थी, 18%। किस पे? एथेनॉल पे सरकार टैक्स लगाती थी 18%, उसको घटाकर 5% कर दिया गया। किसके तहत? पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत, एथेनॉल मिश्रण पेट्रोलियम पेट्रोल कार्यक्रम के तहत इसकी जीएसटी को घटाकर कितना कर दिया गया, 18% से 5% कर दिया गया। और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके तहत तेल विपणन कंपनियां और कंपनियों को ये आदेश दिया कि आप लोग क्या करेंगे, एथेनॉल के मिश्रण को 10% तक बढ़ा दीजिए पेट्रोल में, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 90% पेट्रोल होगी और 1% क्या होगा, एथेनॉल होगा पेट्रोल में, एथेनॉल तो ये पेट्रोल, ठीक है। इसके लिए सरकार ने किनको, तेल विपणन वितरण कंपनियों को आदेश दे दिया कि आप इसके उत्पादन को 10% तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यह कहाँ कहाँ पर किया गया, यह पूरे संपूर्ण देश में किया गया, संपूर्ण भारत में, परंतु यह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़कर, लक्षद्वीपों को छोड़कर बाकी पूरे संपूर्ण भारत में इस चीज़ को क्या कर दीजिए, लागू कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट आज का। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने पंजाब पीएनबी और आईसीआई पे जुर्माना लगाया, कितने का जुर्माना लगाया और क्यों लगाया, सबसे पहले क्यों लगाया आरबीआई ने इन लोगों पे जुर्माना, इसलिए लगाया क्योंकि ये लोग मिनिमम शेष राशि, न्यूनतम राशि निम्न राशि के रख रखाव निम्न राशि के रख रखाव पर ढील, मतलब इन्होंने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को, मतलब जिन लोगों के पास अकाउंट में मतलब बैलेंस कम होता है उस सिस्टम को इन्होंने ऐसी रखा था, मतलब ठीक है रखा है कि ठीक है मतलब, और इस रख रखाव को सही तरीके से ना रखने के तौर पर आरबीआई ने इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाएगा। पीएनबी पे कितने का लगाया, पीएनबी पे लगाया 1.8 करोड़, 1,80,000, 1,80,000, और आईसीआईसीआई से 30 लाख का, ठीक है।
इससे क्या होगा, अब ये लोग अपनी सुविधाओं को और बेहतर करेंगे और नियमित तो राशि के रख रखाव पर ज़्यादा खर्च करेंगे, उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रालय समिति ने क्या किया, आर्थिक रूप से, आर्थिक मामलों में क्या किया, आर्थिक मामलों में मंत्रालय मंडल द्वारा, बैठक में इन्होंने क्या किया, बैठक में या समिति में, समिति कर लो, समिति, इन लोगों ने क्या किया, इस समिति ने 2021 से 2000 कितना, इन समितियों ने क्या किया, इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने क्या ये किया कि इन्होंने पीएम कृषि, पीएम कृषि सिंचाई योजना, को 2021 से 26 तक और बढ़ा दिया। ठीक है, इस योजना को और मंजूरी दे दी कि पीएम कृषि सिंचाई योजना को 2021 से 2026 तक बढ़ाया जाएगा। किसने, आर्थिक मामलों से, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम कृषि योजना को 2021 से लेकर 2026 तक और बढ़ा दिया। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत कितना परिव्यय, इतना परिव्यय होगा, इस कार्यक्रम के तहत 93.068 करोड़ रुपए, मतलब इतना पैसा लगाया जाएगा अभी इस परियोजना में। ठीक है, इस योजना के तहत अभी इतना पैसा और लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 22 लाख, इसका लक्ष्य है 22 लाख किसानों को राहत देना। ठीक है, 22 लाख किसानों को राहत, बहुत पैसा होता है ये, 93,000 करोड़ रुपए, और कितने, 22 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस सिंचाई में क्या होगा, इसमें त्वरित त्वरित लाभ कार्यक्रम, किस किस कार्यक्रम के तहत दी गया ये पैसा, त्वरित लाभ कार्यक्रम। ठीक है, और हर खेत को पानी, ठीक है, हर खेत को पानी, वाटर सेट घटकों का, ठीक है, वाटर सेट घटक भी बनाए जाएंगे इसमें, वाटर सेट घटक, मतलब जगह जगह पीने के लिए पानी बनाया जाएगा, जिससे कि इस लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मतलब किसानों को कोई दिक्कत ना हो, जगह जगह घाट व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे लोग, किसानों को कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। कैबिनेट मंत्री ने, ठीक है, क्या किया अभी, कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैबिनेट ने देश में सेमीकंडक्टर के विकास को, मतलब इसके उत्पादन के लिए और सारा प्रोत्साहन करने के लिए, इसको प्रोत्साहन करने के लिए सेमीकंडक्टर को कितना, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के तहत इन्होंने क्या क्या प्रोडक्शन को,
इसके प्रोडक्शन को लिक्विड इनोवेटिव, ठीक है, PLI के तहत इस कैबिनेट बैठक ने इसके ऊपर कितना 5 से 6 वर्ष में, कितना 5 से 6 वर्ष में इसके उत्पादन को कितना बढ़ाने के लिए, इसके उत्पादन को 73,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। किसका उत्पादन 5 से 6 वर्षों में 73,000 करोड़ का निवेश हो जाए अपने देश में, कितना 73,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर डिस्प्ले बोर्ड में प्रोडक्शन लिक्विड इंगेटिव में इनसेविट में इसका प्रोडक्शन 5 से 6 वर्षों में 73,000 करोड़ रुपए हो जाए। मतलब और कंपनी आके अपने देश में पैसा लगाएं और सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के लिए फैक्ट्री खोलेंगे, जिससे अपने देश में इस चीज़ का विकास बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। और विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया गया, किसको, विजय दिवस के रूप में। इसमें क्या किया गया, विजय दिवस में पाकिस्तान की सेना पर किसने, भारत और संयुक्त और बांग्लादेश की संयुक्त सेना भारत की भारतीय और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनियों की संयुक्त सेना पर द्वारा आत्मसमर्पण का किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, भारत के पास, मतलब भारत ने जब इसके ऊपर वो हुआ था 1971 में, 16 दिसंबर 1971 में जब हमला हुआ था ऐसा वैसा सब जगह से, तो पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब जी हार गए थे, ठीक है, अपन भारत वालों से हार गए थे। तो इनके जनरल प्रमुख पाकिस्तान के पाक का के प्रमुख पाक सेना के प्रमुख जनरल, क्या नाम था इनका, अमीर अब्दुल्ला खान नियामजी, ठीक है, नियाम जी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ, किसके, पाकिस्तान के सैनिक थे, पाक के सैनिक थे, ठीक है, जिसको इन्होंने समर्पण कर दिया था भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, किसके सामने, भारतीय सेना बांग्लादेश की सेना के सामने इन्होंने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। कब किया था, 16 दिसंबर को। इसी के उपलक्ष्य में भारत में क्या मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में भारत में विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, क्योंकि भारत उस टाइम मतलब इन दोनों रूप से कंट्रोल करने के लिए बाध्य हो गया था, उसी टाइम बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, अलग भी हो गया था उसी टाइम, ठीक है। वैज्ञानिकों ने ठीक है भारतीय वैज्ञानिकों ने किसने, नहीं भारतीय वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अणु का आविष्कार किया, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अणु का विकसित किया जिससे जो कि SARS-CoV-2 वायरस की तरह जुड़ जाता है, मतलब ये वैज्ञानिक एक ऐसा विकसित अणु विकसित किया जो कि SARS-CoV-2 वायरस की तरह, ठीक है, वायरस की तरह ये जुड़ जाता है, मतलब COVID-19 की तरह ये मानव कोशिकाओं से जुड़ जाता है और यह क्या करता है, मानव कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और COVID-19 को फैलने से रोकता है, फैलने से
रोकता है, मतलब कि ये नया वायरस जो अणु विकसित किया, अगर ये आपके शरीर में होगा इंजेक्शन द्वारा, तो आपके शरीर में कोविड-19 फैलेगा नहीं। इसको वैज्ञानिकों ने एक नए अणु का विकसित किया जो कोविड-19 को रोकने के लिए वैज्ञानिक इस पर बहुत काम कर रहे हैं अभी। और अणु में आरएनए एप्टेमर्स नामक, क्या है इसमें एप्टेमर्स नामक एक यौगिक है, क्या है नामक एक यौगिक के वर्ग से संबंधित रखता है। यह अणु आरएनए